दोस्तों आज मैं ऐसे चीज़ का टीयर डाउन करने वाला हूँ जिसे आप लोग टैप, फाउसेट और नल के नाम से जानते हो। जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये एक वाटर या किसी भी लिक्विड के फ्लो को कंट्रोल करता है। इसके ऊपर वाले हैंडल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने पर फ्लो ओपन और क्लॉकवाइज रोटेट करने पर फ्लो क्लोज होता है। बाहर से तो इसे सभी अच्छे से जानते होंगे, लेकिन जब हम इसके हैंडल को रोटेट करते हैं तो अंदर का मैकेनिज्म में क्या कुछ होता है, आज हम स्पेशली इसी को जानने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज महफूज एंड लेट्स डू इट ए क्रॉस क्रॉस। इसे स्पाउट और बैक साइड से देखने पे हमें कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है, जिसके लिए हमें इसे कहीं से कट करना होगा। तो इसे स्पाउट की तरफ से कट करते हैं और इसके इनसाइड के पार्ट्स को देखने की कोशिश करते हैं। इसे मैं हैक्सॉ ब्लेड से जो है यहाँ से कट करता हूँ और फिर देखता हूँ कि अंदर क्या है। तो इसे मैंने कट कर लिया है जैसा कि आप देख रहे हो, और कट करने के बाद हमें कुछ अंदर इस तरह का दिखता है, जिसे इसे हैंडल को रोटेट करने पे कुछ अंदर अप एंड डाउन हो रहा है। और दोस्तों इस तरह का हैंडल रोटेट करने वाला जितने भी टाइप के नल होते हैं सबका वर्किंग सिस्टम कुछ एक ही तरह का होता है। इसे नज़दीक से देखें तो ये कुछ इस तरह का दिखता है, और इसके ऊपर के हैंडल को रोटेट करने पर अंदर कुछ इस तरह से वर्क करता है। ऊपर में जो देख रहे हो ये एक रबर का वाशर है। चलिए अब इसे यहाँ से कट करके देखते हैं इसके इनसाइड के पार्ट्स को अच्छे से। चलो इसे मैंने कट कर दिया। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इधर से वाटर इन करती है। अगर इसके ऊपर में देखें इस साइड, तो ऊपर में एक सर्कल जैसी बनी हुई है जिसपे कि ये नट के वाशर जो है अच्छे से फिट होते हैं, क्योंकि वाशर भी सर्कल का शेप का है, जिससे कि फिट हो जाने पर वाटर का फ्लो क्लोज हो जाता है। अब चलिए बात करते हैं कि इनके जो है नट किस तरह से अप एंड डाउन करते हैं। तो आपको याद होगा कि मैंने एक ग्लू स्टिक पे वीडियो बनाया था जिसपे कि ग्लू के अप एंड डाउन करने का जो मैकेनिज्म है इसका भी बिल्कुल उसी तरह का होता है। इस पर भी थ्रेड कटे हुए होते हैं और उसी के कारण ये अप एंड डाउन स्लाइड करता है। और ये हैंडल कुछ अंदर से इस तरह का दिखता है, जिसपे कि रोटेट करने पर ये अंदर इस तरह से रोटेट होता है, और इसमें बाहर की ओर थ्रेड कटे होते हैं जिसके कारण नट अब ऊपर नीचे स्लाइड कर पाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसका आपको वर्किंग सिस्टम समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब डोंट फॉरगेट, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।